देवघर बैद्यनाथ धाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा देवघर के आजाद चौक पर बिजली विभाग के खिलाफ जोर शोर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पंडित गजेंद्र केशरी, सुमन गुप्ता, चंदन शाह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। 2020 मार्च से लेकर 2021 तक हम लोग कोरोना के चपेट में चले गए, व्यापार पानी सब ठंडा हो गया। इस बार कुछ उठने का उम्मीद था 2022 में, तो ये बिजली आंख मिचौली खेल रही है। दिन भर बिजली काट रहा, व्यापार कैसे होगा? ऐसी भीषण गर्मी अप्रैल माह में आज तक नहीं देखे थे, और उसमें बिजली नहीं है तो ग्राहक आता है, पंखा एसी नहीं पाएगा तो क्या सामान खरीदेगा। इससे व्यापार पूर्ण तरह से प्रभावित है। व्यापार ही नहीं, घर में बच्चे सुबह स्कूल उठने के लिए नहीं उठते हैं, कहते हैं कि नींद पूरा नहीं हुआ है, ऐसा दुर्भाग्य है। और बिजली विभाग क्या बोलते हैं कि अभी ऊपर से बात चल रही है, 7-8 दिन में व्यवस्था होगा, लेकिन जैसे ही व्यवस्था होगा फिर सावन के नाम पर फिर मेंटेनेंस के नाम पर कट जाएगा। अब बताइए दुकानदार कहाँ जाएगा? ये तो अभी बिजली नहीं मिल रहा है, जैसे भी 8-10 दिन में जब भी मिलेगा तो फिर सामान में मेंटेनेंस के नाम पे मिलेगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि 2 वर्ष से हम लोग बिजली का मेंटेनेंस नहीं किए हैं। हमने उनको कहा कि सावन नहीं लगेगा तो आप बिजली दुरुस्त नहीं कीजिएगा, घटना हो जाएगा त्रिकुट त्रिकुट रोपे की तरह, तो चुप हो गए। नहीं, यहाँ केवल सावन में इलाके मेंटेनेंस होता है। आज आप लोग क्या कार्यक्रम रखे? आज हम लोग काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली विभाग के खिलाफ। इसके बाद भी नहीं मानेगा तो और ऊपर आंदोलन होगा, चरणबद्ध आंदोलन क्रमशः चलते रहेगा। बिजली विभाग का घेराव भी हम लोग करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो त्योहार बंद कर देंगे घोर लगन के समय में। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था सुचारू करे, और व्यापार के टाइम में सुबह 9-10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक तो बिजली एक जरा भी नहीं काटे, और रात भर भी बिजली नहीं, चूँकि बच्चा सुबह उठ के 5 बजे उठता है, 6 बजे स्कूल जाता है, उसमें ही बिजली चाहिए। 24 घंटा में कम से कम 22 घंटा बिजली चाहिए। और सबसे दुख की बात क्या देखिए, सरकार जो है 400 यूनिट बिजली से अधिक खपत होने पर 2,000 रुपया एक्स्ट्रा सब्सिडी खत्म कर दिया, 2,000 एक्स्ट्रा ले रही है। और जब डीएन साहू जी एसी साहब से बात हुआ, कहा नहीं इस महीना में धोखा से ले लिया गया है, अगले महीना में कट जाएगा, अगले महीना से लागू होगा। बताइए पहले ले लिया पैसा, तो ये स्थिति है। चलिए, सारे लोग परेशान हैं बिजली से, बिजली के कारण व्यवसाय नहीं हो पा रही है, कारखाना नहीं चल पा रहा है, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग का कारखाना है वो भी बाधित है, दुकानदार बच्चे सारे लोग बाधित हैं। इस तरह से मतलब नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। आप लोग आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हम लोग कल आवेदन कर चुके हैं, और उस आवेदन के आधार पर आज हम लोग काला बिल्ला लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर नहीं माने तो आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। पूरा नाम बताइए सर। गजेंद्र केसरी, महामंत्री चैम्बर ऑफ बैद्यनाथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये है कि हम लोग तो मान ली पिछले 2 वर्षों से प्राकृतिक आपदा जो थी कोरोना, उससे हम लोग त्रस्त हैं, और अभी जो है सरकार और बिजली विभाग जो प्रशासन है वो भी परेशान किए हुए हैं। बिजली की आपूर्ति पूर्णतः बाधित है, मतलब ये मानिए कि 24 घंटे में हम लोगों को 5-6 घंटे भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। व्यापार की स्थिति ये है कि इन्वर्टर और जनरेटर तक जवाब दे दिया लोगों का, घर के बच्चे जो है रात में सो नहीं पाते हैं तो सुबह स्कूल क्या जाएंगे, तो ये सब दिक्कतें आ रही है। उसी को लेकर के आज हम लोग जो है अपने अध्यक्ष महोदय बैद्यनाथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर के तले आज ये आंदोलन कर रहे हैं कि कम से कम बिजली विभाग चेते जागे, जो चिन्हिंद्रा में सोई हुई है, हम लोगों को कम से कम बिजली जो है सुचारू रूप से जो उपलब्ध करवाए, ताकि हम लोग रोजगार कर पाएँ और बच्चे जो है सो पाएँ, नींद ले पाएँ, और सुबह स्कूल जा पाएँ और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। बस यही मांग है सरकार से कि बिजली आप